दैनिक पाठ योजना विवरण 5 यूपी डेलर्ट थर्ड सेमेस्टर। सबसे ऊपर हेडिंग लिखेंगे दैनिक पाठ योजना विवरण 5, इधर लिखेंगे विषय हमारा परिवेश, प्रकरण है हमारा प्रदेश, हमारे प्रदेश के प्रमुख नगर, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर, इधर लिखेंगे कक्षा 4, फिर समयावधि 30 मिनट। नीचे बढ़ेंगे तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। इसमें फर्स्ट पहला लिखेंगे पॉइंट कि छात्रों को उनके बारे, उनके चारों ओर परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करना कराना। दूसरी हेडिंग डालेंगे दूसरा पॉइंट होगा छात्रों की तर्क शक्ति एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। थर्ड पॉइंट होगा कि छात्रों को उनके राजधानी व प्रमुख नगर के बारे में जानकारी प्रदान करना। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को उनके राज्य, राजधानी व प्रमुख नगरों के बारे में परिचित कराना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान, इसमें लिखेंगे छात्रों को उनके किस स्थान व राज्य के बारे में उनको ज्ञान है। तो छात्र जो हैं उनको स्थान व राज्य के बारे में ज्ञान है। नीचे हेडिंग बढ़ेंगे तो अगली हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री, इसमें लिखेंगे श्यामपट, चाक, डस्टर, मानचित्र। नीचे डालेंगे अगली हेडिंग प्रस्तावना, इसको 3 कॉलम में इस तरह डिवाइड कर लेंगे। इधर क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, और इसमें इन तीनों प्रश्नों को जैसे लिखे हैं उसी प्रकार लिख लेंगे। पहला है उत्तर प्रदेश क्या है, तो यह है राज्य, हमारा राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर, तो यह समस्यात्मक। नीचे बढ़ेंगे अगले हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन, इसमें लिखेंगे बच्चों आज हम सब मिलकर अपने राज्य, उसकी राजधानी तथा प्रमुख नगरों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण इसमें लिखेंगे उत्तर प्रदेश गोरखपुर प्रस्तुतिकरण में। नीचे बढ़ेंगे अगले हेडिंग लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न, इसमें इन तीनों प्रश्नों को जैसे लिखे हैं उसी प्रकार लिख के इनके आंसर भी लिख लेंगे। नीचे बढ़ेंगे अगली हेडिंग पड़ेगी श्यामपट कार्य, इसमें लिखेंगे प्रमुख नगरों का ज्ञान हम श्यामपट पर लिखकर बच्चों को कराएंगे। इसमें एक हम ब्लैक चार्ट से एक टुकड़ा इतना बड़ा काट लेंगे ब्लैक चार्ट का, उसको अपनी फाइल पर चिपकाएंगे, फिर व्हाइट स्पार्कल पेन की मदद से जो इस पर लिखा है उसको लिख लेंगे। फिर जब नीचे बढ़ेंगे तो हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी निरीक्षण कार्य, इसमें लिखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में हम छात्रों को घूम घूम कर निरीक्षण करते हुए बताएंगे एवं उनकी समस्या का समाधान करेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न, इसमें इन तीनों प्रश्नों को जैसे लिखे हैं उसी प्रकार नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी हमारी गृह कार्य, इसमें लिखेंगे कक्षा में कराए गए कार्य को याद करना व पाठ पढ़कर आना। तो इस प्रकार से पाठ योजना 5 हमारी कंप्लीट होती है। पाठ योजना 6 हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।